देखिए जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हमारा, और इस सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपसे क्या एंटिसिपेट किया जाएगा या आपको क्या सिखाया जाएगा, या इस सब्जेक्ट को पढ़कर आप अल्टीमेटली सीखेंगे क्या। तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी नॉलेज और स्किल्स, आपकी नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस की जाएं रिगार्डिंग दी फाइनेंस मैनेजर। क्या आपको रोल दिया जाएगा एज अ फाइनेंस मैनेजर का, और उस फाइनेंस मैनेजर के रोल में अल्टीमेटली आपकी नॉलेज है कि आपको वो तमाम चीज़ें सिखाई जाएं जो एक फाइनेंस मैनेजर के लिए यूजुअली ज़रूरी होती। सो आपको बताया जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में, आपको बताया जाएगा कंपनी के फाइनेंस डिसीजंस के बारे में, आपको बताया जाएगा कंपनी के डिविडेंड डिसीजंस के बारे में, क्योंकि टिपिकली एक फाइनेंस मैनेजर किसी भी कंपनी का ये डिसीजन लेता है। सो आपको इक्विप किया जा रहा है फाइनेंस मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। अब हर सब्जेक्ट के या तो प्री रिक्विजिट कोई चीज होती है पीछे से, या उसको आगे कनेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ। तो दिस पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके लिए प्री रिक्विजिट हमारे पास मौजूद है आपका F2, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने F2 ना भी पढ़ा हो या वो भूल चुका हो, तो तब भी एज सच कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन F2 के कुछ एरियाज हैं जो कि यहाँ पर आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे अगर आपको याद हो, सच एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो बेसिक्स हैं वो F2 के अंदर पढ़ा दी जाती हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एडवांस चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को पता होता है, और वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में EOQ लाइक दिस चीज़ें आगे F9 के अंदर भी पढ़ाई जाती हैं। अब F9 पढ़ने के बाद इसकी कनेक्टिविटी आगे बनती है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट P4 से, जो कि एक ऑप्शनल पेपर है। अगर आपको फ्यूचर में ऑप्शनल पेपर में से P4 AFM ऑप्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर जो है AFM वो पूरा का पूरा किस पे बेस करेगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे वाले पेपर पे डिपेंड करेगा। और अगर आप उसे नहीं देना चाहते तो इट्स एन ऑप्शनल पेपर, आप उसे छोड़ सकते हैं। सिमिलरली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है वो एक कंपलसरी पेपर में भी काफ़ी आएगी, दैट इज SBL, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का जो पेपर है उसमें FM की रिक्वायरमेंट आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है। ये तो कनेक्टिविटी हो गई पीछे से, और कनेक्टिविटी हो गई सब्सिक्वेंट पेपर्स की। नाउ F9 के पेपर से आपको जो कैपेबिलिटीज आपके अंदर आएंगी और जो सिलेबस का आउटकम है जो आपको सीखना है, पहली चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन क्या है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन का रोल क्या है, उसका पर्पस क्या है। सेकेंडली आपको ये बताया जाएगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी, जिसमें से ब्रॉडली दो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, एक मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और एक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखें, कोई भी इकोनॉमी होती है उसके अंदर जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करती है तो उससे ऑब्वियसली जितनी भी कंपनीज हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी चेंज इन इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंटरेस्ट रेट चेंज करना चाहती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चाहती है। डू यू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द कंपनीज डिसीजंस? तो जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा,
उसका एक आउटकम तो ये होगा कि आपके लिए लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो डिस्करेज करेगा कंपनीज को फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। छोटा सा चेंज अल्टीमेटली आया कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया और एज अ रिजल्ट उसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि अब आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, वो बढ़ जाएंगी और आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी वो इनहेंस हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपको ये बताया जाएगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है। आप लोगों ने अगर F3 का सिलेबस आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने वहां पर रेशियोज का टॉपिक पढ़ा होगा और वहां आपको कुछ वर्किंग कैपिटल रिलेटेड रेशियोज पढ़ाई गई होंगी। ऑल द रेशियोज आर इंपॉर्टेंट, जितनी भी रेशियोज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं वो तमाम की तमाम F9 के पेपर में असेस की जाएंगी, उनको हमें दोबारा डिस्कस करना है। करंट रेशियो क्या होती है, क्विक रेशियो क्या होती है, डेटर्स टर्नओवर का क्या इम्पैक्ट होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इशू है डिस्कस करने का, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। F9 का एक वन ऑफ द टाइप ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे लाइकली सवाल 20 मार्क्स का, यानी कि F9 में हर अटेम्प्ट के अंदर एक 20 मार्क का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपका पहला जो टॉपिक है जो आपको टारगेट करना है, बहुत अफेक्टिव तरीके से पढ़ना है, वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसके अंदर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे, IRR निकालना सीखेंगे, पे बैक निकालना सीखेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और मुख्तलिफ चीजें। काफी लेंदी टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी तो वो अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे सेटिस्फाई करेगी। इसलिए कंपनीज कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर नए नए प्रोजेक्ट लगाती है और उन प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने का काम हमें दिया जाएगा कि वो प्रोजेक्ट अप्रेजल हमें करना है, हमें ये इवैल्यूएट करना है कि प्रोजेक्ट ठीक है या प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। एजेंडा आपके माइंड में डे वन से क्या होना चाहिए कि हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि हमारा की ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, और जो भी डिसीजन फाइनेंस मैनेजर लेगा उसका अल्टीमेट फोकस शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। बिजनेस अगर फंड रेस करना चाहता है तो व्हाट काइंड ऑफ सोर्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस। आप लोगों ने F3 के अंदर पढ़ा होगा कि कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है तो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, कंपनी लोन लेती है। ये तमाम डिटेल्स हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि बिजनेस और एसेट्स को वैल्यू कैसे किया जाता है, यानी कि इन शॉर्ट आपको ये बताया जाएगा कि अगर मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं, अगर हम किसी कंपनी को एक्वायर करने की बात करते हैं, तो आपसे ये डिमांड की जाएगी कि ये बताएं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली कंपनीज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, और ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जिनकी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है। चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, आपको उसको वैल्यू करने की टेक्निक सिखाई जाएंगी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, करेंसी के रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है और इंटरेस्ट के रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं व्हेन यू हैव टू फी पे योर फी एंड व्हेन यू हैव टू पे योर सब्सक्रिप्शन। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग GBP अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन वैल्यू हो जाता है या डिक्रीज इन वैल्यू हो जाता है, तो उससे पाकिस्तानी स्टूडेंट को अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल पाक रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और GBP अप्रिशिएट हो रहा है तो आपकी फी
अकॉर्डिंगली कन्वर्जन में बढ़ जाएगी एंड यू हैव टू पे मोर पाक रुपी व्हेन यू वांट टू पे योर फी। सो हम सीखेंगे कि करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ये लास्ट जो टॉपिक्स जो बताए जा रहे हैं, ये लास्ट दो टॉपिक्स जो बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट वाले हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल में F9 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप AFM के सिलेबस में जाएंगे तो ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर सिलेबस के अंदर आ जाएंगे। तो F9 में आप लोगों को इंट्रो लेवल के ऊपर एसेट वैल्यूएशन सिखाया जा रहा है और इंट्रो लेवल के ऊपर आपको करेंसी मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन चीजों को कैसे डील किया जाता है। एंड लास्टली, रिसेंटली ACCA ने हर सिलेबस के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी और टेक्नोलॉजी स्किल के नाम से एक आइटम ऐड किया है, जिसकी सिंपल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको CB एग्जाम देना है तो आपको उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होंगे और यू ड्यूरिंग योर जॉब जो IT स्किल्स और टूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं, उनकी नो हाउ आपको होनी चाहिए। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में आपको टाइप करना है, कैसे टाइप किया जाएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड, और एक्सेल के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूलाज इस्तेमाल करना है, तो वहां पर रिक्वायर्ड टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल की जाती है। सो ये मेन कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर जो की टॉपिक्स हैं आपके पास, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके की टॉपिक्स हैं। और जो पहले दो आइटम्स हमने डिस्कस किए हैं वो इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंपैक्ट। अब आ जाते हैं बिजनेस पेपर के फॉर्मेट की तरफ। जो लोग स्किल्स लेवल में पेपर ऑलरेडी दे रहे हैं, जिन्होंने F6 अटेम्प्ट किया, F7 अटेम्प्ट किया है, उनको ये पता है कि पेपर का फॉर्मेट जो है वो 3 सेक्शंस पेपर के अंदर होते हैं। हर पेपर में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, A, B, and C। तो F9 भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है और F9 के एग्जाम में भी आपके पास 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन, सेक्शन ए, कंप्राइजेस ऑफ 30 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स इस तरह से टेस्ट किए जाते हैं। इस 30 मार्क्स में आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, OTQs। OTQs का मतलब होता है इसमें MCQs भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर टेस्ट किए जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी वर्थ 2 मार्क्स। क्वेश्चन नैरेटिव भी हो सकते हैं और क्वेश्चन कैलकुलेटिव इन नेचर भी हो सकते हैं। मार्च 2022 का भी जो रीसेंट एग्जाम गुजरा है उसके अंदर स्टूडेंट के फीडबैक के मुताबिक सेक्शन ए वॉज टफ। तो सेक्शन ए के अंदर ज्यादातर थ्योरी पूछी गई, माइनर कैलकुलेशन, मेजर थ्योरी, और स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से सेक्शन ए टफ आया इस दफा। सो क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट डेटा दिया हुआ होगा, कुछ क्वेश्चंस की लेंथ कम होगी, कुछ क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होगी, लेकिन टाइम एलोकेशन जो है वो यूजुअली तकरीबन सेम ही होती है इसके अंदर। तो आपको अपना टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि जो भी 30 मार्क्स का एलोकेटेड टाइम हो उसके अंदर आपको अपना सेक्शन ए अफेक्टिवली कंप्लीट करना है। सेक्शन ए में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? सेक्शन ए विल इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटायर सिलेबस। अगर आप अपना सेक्शन ए की वेटेज अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस थॉरली पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट सिलेबस पे थॉरली फोकस करके जाते हैं उनके सेक्शन ए की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और जो सेलेक्टेड स्टडीज करके जाते हैं उनको सेक्शन ए में टफ टाइम मिलता है। तो कोई भी टॉपिक हम स्पॉट नहीं कर सकते सेक्शन ए के लिए, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने जो पीछे अभी सिलेबस देखा है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इस पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ सवाल पेपर में आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन बी है, अच्छा एक बात और इसमें आपको बता दूं मैं सेक्शन ए में, कि सेक्शन ए में बाज दफा ऐसा होता है कि आपको कहा जाता है कि जी विच टू ऑफ द आइटम्स आर करेक्ट। तो अगर आपने एक करेक्ट कर लिया तो आपको दोनों
ठीक करने पड़ेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सेक्शन ए में या तो मार्क्स मिलते हैं या मार्क्स नहीं मिलते, कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, इसलिए बड़ा केयरफुली हमें सेक्शन ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट योर सेक्शन बी। सेक्शन बी वेटेज वाइज अगेन आपका 30 मार्क्स का है, लेकिन यहां पर आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 10 मार्क ईच, और यहां आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो से रिलेटेड हर क्वेश्चन में आपके पास 5 OTQs होंगे, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी। तो वो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी हो सकता है, मिक्स ऑफ टॉपिक के ऊपर भी पूछा जा सकता है। देयर विल बी अ मिक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड नैरेटिव मार्क्स। आप एंटिसिपेट करें 3 कैलकुलेशन और 2 थ्योरी के क्वेश्चन, या 3 थ्योरी के क्वेश्चन और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड सेक्शन बी में कौन कौन से टॉपिक यूजुअली टेस्ट होते हैं, एक टॉपिक जो कि यूजुअली टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यूएशन, जो मैंने आपको बताया कि ये इंट्रो लेवल का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो टेस्ट होता है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, ये भी इंट्रो लेवल का टॉपिक है। ये 2 तो टॉपिक नॉर्मली हमारे सेक्शन बी में टेस्ट होते हैं 10-10 मार्क्स के। तीसरा टॉपिक जो टेस्ट किया जाता है वो कुछ भी हो सकता है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हो सकता है, वो टॉपिक आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आता है सेक्शन सी में। अगर सेक्शन सी में नहीं आया तो एग्जामिनर उसको सेक्शन बी में भी पूछ सकता है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर हमारा एक बिल्ट इन टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, जिसको हमने सेपरेटली यहां पर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं समटाइम्स उसको सेपरेटली हाईलाइट कर देता हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक सेपरेट टॉपिक है और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये कंबाइन होकर आता है यूजुअली। सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस के लिए कुछ टिप्स। अगर आपको ओटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहला टिप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट, थिंक बिफोर आंसरिंग, डू नॉट रश, आंसर ऑल क्वेश्चंस इवन इफ अनश्योर ऑफ द आंसर। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करनी है और आपको नहीं आता क्वेश्चन, आप लेफ्ट ना करें। टाइम को आप इसको इस तरह से मैनेज करना है कि आपका 100% पेपर कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट इज आवर सेक्शन सी। सेक्शन सी F9 में 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे F7 में 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन F6 में 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन F9 में ये 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड ईच क्वेश्चन वर्थ 20 मार्क्स। अब आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि एक सवाल तो पक्का पक्का कहां से आएगा, एक सवाल तो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आना है, हालांकि लिखा हुआ नहीं है कहीं के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, एक लाइकली 20 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि हर एग्जाम में एक अप्रेजल का 20 नंबर का सवाल होता है। अच्छा, दूसरा जो सवाल होगा वो पॉसिबली या तो आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से, या फिर वो आएगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अच्छा, ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन बन रहा है और किसी स्टूडेंट का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बन रहा है, लेकिन अप्रेजल का सवाल हर स्टूडेंट के लिए सेम यानी के आता है, क्योंकि देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेट, पेपर सेट, 2 तरह के पेपर होते हैं यूजुअली। और सेक्शन सी में अप्रेजल तो हर जगह आता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को रोटेट किया जाता है। अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सेक्शन सी में आ गया तो फिर सेक्शन बी में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएगा, और अगर सेक्शन सी में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गया तो फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी में क्योंकि आपको वर्किंग शो करनी होती है तो आपको थ्योरी को वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होगा, और कैलकुलेशन के लिए आपको एक्सेल इस्तेमाल करना होगा, जिसमें बेसिक एक्सेल टेक्निक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फॉर्मेट्स का ख्याल रखना होगा। जब आप वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो मेक श्योर कि आपकी एक रीजनेबल
टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, रीजनेबल। बहुत ज्यादा कोई टाइपिंग स्पीड की जरूरत नहीं है। इफ योर टाइपिंग स्पीड इज रीजनेबल और इफ योर कैलकुलेशन इन एक्सेल इज रीजनेबल, देन यू कैन इजीली कंप्लीट दिस सेक्शन सी। अब यहां पर चलें, पहले मैं आपको सेक्शन सी की टिप्स बता दूं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे उसके ऊपर। सेक्शन सी में सबसे बड़ा जो हर्डल होता है, वो हर्डल ये होता है कि 3 या 4 पार्ट्स दिए हुए होते हैं। तो अगर आपको पार्ट्स दिए हुए हैं तो थ्योरी के पार्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और यू कैन एंटिसिपेट कि अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको एंटिसिपेट करें कि 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा और 10 मार्क्स थ्योरी के होंगे। F9 का पेपर इन टर्म्स ऑफ थ्योरी काफी चैलेंजिंग है। अब आपका एक सवाल होगा कि पेपर में थ्योरी कितनी आती है, कैलकुलेशन कितनी आती है, तो आप अपने माइंड में 50% थ्योरी बना के जाएं कि पेपर में 50% थ्योरी आएगी और 50% आपकी कैलकुलेशन आएगी पेपर के अंदर। थ्योरी की वेटेज 50% से ज्यादा भी हो सकती है। सो अगर किसी को F9 का पेपर पास करना है और उसने थ्योरी पे ग्रिप हासिल नहीं की तो उसके लिए पेपर पास करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो सेक्शन सी के जो 40 मार्क्स हैं उसमें से 20 मार्क्स कम से कम आप थ्योरी का माइंड बना के जाएं, और थ्योरी लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ रीडिंग करके या ओरली डिस्कस करके थ्योरी पे ग्रिप नहीं लेकर आई जा सकती। तो सेक्शन सी की टिप्स कुछ यूं हैं कि अगर आपको सवाल लिखना हो तो पहले आपको प्लान करना चाहिए, आउटराइट लिखना शुरू नहीं कर देना चाहिए। आपको रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट लिखना चाहिए। सिनेरियो के अंदर अगर कुछ डेटा दिया हुआ है तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अपनी आंसर्स को हेडिंग्स में ब्रेकअप कर देना चाहिए, मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर आपका आंसर क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन की है तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा पॉइंट डिस्कस करने हैं तो हर पॉइंट के लिए आपको सेपरेट पैराग्राफ्स बनाने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम पार्ट्स एटलीस्ट अटेम्प्ट हो जाएं। सही हो या गलत हो ये सेकेंडरी इशू है, लेकिन एटलीस्ट आपको तमाम पार्ट्स को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका पूरा पेपर एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया हो, कोई पार्ट्स का छोड़ा ना हो। दिस इज रेफर्स टू टाइम मैनेजमेंट, जो हम साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको एग्जाम में डिस्काउंट टेबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर पीवी टेबल होगी, एनयूटी टेबल होगी, वो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने। आपको कुछ फॉर्मूला शीट में कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे, yes, this introduction session is free. And आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली उर्दू में सेशन हो रहा है, तो those students जो इंग्लिश में F9 पढ़ेंगे उनका सेशन आज नहीं हो रहा, उनका सेशन हम एक या दो दिन के बाद करेंगे। ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके लिए। तो F9 में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, तो आपको हर फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जो आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें कुछ फ्यू फॉर्मूलाज आपको गिवन होंगे, तो आपको बाकी सारे फॉर्मूले भी अंडरस्टैंड करने हैं, उनके वेरिएबल्स को भी अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशंस को भी प्रॉपर वे में समझना है। यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, फिर मैं आपको रिसोर्सेज की तरफ गाइड करता हूँ कि पेपर को पढ़ने के लिए आपको लेक्चर्स के साथ साथ क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं ताकि पेपर आपका इफेक्टिवली पास हो जाए। सो यू इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? हमारा ये जो कोर्स होगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होती है पेपर में, तकरीबन हमें 2 से 2.5 महीने पेपर में मिलते हैं, तो हमारा ये जो पेपर होगा ये लाइव प्लस सपोर्टेड बाय रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। यानी कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम लाइव ज्यादा से ज्यादा रहें, लेकिन कुछ टॉपिक्स के अंदर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सपोर्ट भी लेंगे। आपको पूरा कोर्स एट वंस रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया जाएगा ताकि आप अपने पेस से अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। और जो कोर्स आपको दिया जाएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि उसमें आपको क्विजेस दिए जाएंगे, हर
टॉपिक के साथ आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो असाइनमेंट्स मैंडेटरी होंगे, वो असाइनमेंट्स आपके मैंडेटरी होंगे, रिमेंबर दैट, वो असाइनमेंट आपके मैंडेटरी होंगे, आपको वो लाजमी सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि एफ नाइन में थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है, स्टूडेंट थ्योरी में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए आई हैव डिसाइडेड के जैसे आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं आप उसका एक क्विज पूरा करें, उसके दिए हुए असाइनमेंट्स आप सबमिट करें, उन असाइनमेंट्स को चेक करके आपको सेंड किया जाएगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टाइम बाय टाइम हो सके, राइट। और आपको प्रिसाइज नोट्स दिए जाएंगे, विच यू कैन कॉल समरी नोट्स, ताकि आप वहाँ से अपनी थ्योरी कवर कर लें। लेकिन जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है वो यहाँ पर मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है आपका स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट आप कैपलान का भी पढ़ सकते हैं, बीपीपी पे पढ़ सकते हैं, लेकिन आई विल रेकमेंड कि आप अगर स्टडी टेक्स्ट पढ़ें या सेलेक्टेड स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें तो एटलीस्ट आप कैपलान को रेफर करें। सिमिलरली दूसरा जो रिसोर्स आपके पास है वेरी यूजफुल, आपको रिविजन किट सॉल्व करनी है, हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको पास्ट पेपर को भी रेफर करना है। मेजॉरिटी पास्ट पेपर्स रिविजन किट के अंदर होते हैं, लेकिन उसके अलावा वो पास पेपर जो रिविजन किट कवर नहीं करती वो पास पेपर्स भी करने हैं। रिविजन किट से आपको हर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन ए के एमसीक्यूज, सेक्शन बी के एमटीक्यूज और सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको जो रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा प्री रिकॉर्डेड, उसके अंदर सेक्शन ए के प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेक्शन बी के प्रैक्टिस क्वेश्चन और सेक्शन सी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑल विल बी इंक्लूडेड, राइट। कि किस तरह से एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस तरह से एमटीक्यूज अटेम्प्ट किए जाते हैं, और हम अपनी लाइव क्लासेस में हमारा ज्यादातर फोकस जो होगा वो प्रैक्टिस के ऊपर होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाइव प्रैक्टिस कर सकें। दोज लाइव सेशंस अगर कोई नहीं ले पाता फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी मसरूफियत लाइक दैट, तो वो लाइव सेशन भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे गिवन पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगा। पोर्टल का लिंक आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक सामने नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप एफ नाइन के पेपर में इनरोल होंगे। दोज स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड यानी कि पेड स्टूडेंट्स होंगे, रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ फ्री कोर्स, राइट, या आज का सेशन फ्री है, तो वो आप इस साइट के ऊपर, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा एफ नाइन के कोर्स का, उस पर जाके आप इनरोल्ड होंगे तो आपके लिए विजिबिलिटी ओपन हो जाएगी और आप वहां से अपनी पेस के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज इनके अलावा जो सबसे ज्यादा मैं एम्फेसाइज करता हूं वो है टेक्निकल आर्टिकल। अगर आपको एफ नाइन में सक्सेसफुल होना है, अपनी थ्योरी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, तो हर टॉपिक के अंडर जो भी टेक्निकल आर्टिकल एसीसी की वेबसाइट पे गिवन है वो सेम टेक्निकल आर्टिकल आपके पोर्टल के ऊपर आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे टॉपिक बाय टॉपिक। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थॉरली स्टडी दोज टेक्निकल आर्टिकल्स विद द टॉपिक, और जहां आपको उन टेक्निकल आर्टिकल्स में इश्यूज आएंगे आप टीचर से डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड आपको अपने नोट्स चाहिए ताकि आप क्विकली अपने पूरे कोर्स को रिवाइज करें, और एट द एंड आपको ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये हमारे पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज है जो हमें इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द सेशन। एसीसी एग्जामिनेशन टीम ने कुछ टिप्स दी हुई है, वो भी मैंने शीट के अंदर इंक्लूड कर ली है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट एग्जामिनेशन टीम वांट्स फ्रॉम यू। नंबर वन, क्लियरली अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम योर सिलेबस एंड स्टडी गाइड। मैंने आपको स्टार्ट में ही सारी चीजें क्लियर कर दी कि इस सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी। रीड एंड स्टडी थॉरली अ सूटेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक और स्टडी टेक्स्ट, ये रेकमेंड की जा रही है, मोस्टली स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते। रीड रेलेवेंट टेक्निकल आर्टिकल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज। प्रैक्टिस एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द रिविजन किट एंड फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। बी एबल टू कम्युनिकेट देयर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली इन एन एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ बात की जा रही है कि आपको एग्जाम की फंक्शनैलिटी का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आप एग्जाम की फंक्शनैलिटी जो है वो असेस कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक एजेंडा है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स का कि किस तरीके से हमारा कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पेपर फॉर्मेट कैसा है, कहाँ से सवाल आते हैं, थ्योरी को हमें कितना एम्फेसाइज करना है, सो एंड सो ऑन।
अच्छा, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि थ्योरी बहुत ज्यादा आती है, तो लेट मी शो यू वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पास्ट पेपर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी आ चुकी है उसको टॉपिक बाय टॉपिक एक जगह पे कंपाइल किया गया है, ताकि आप लोग साइड बाय साइड उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज करें और अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। अब आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा होगा, काइंडली कंफर्म मी वो डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव डॉक्यूमेंट जो कि मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर अब तक F9 के जितने भी पास्ट पेपर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर नजर आएंगे। और जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि थ्योरी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, बार बार एक एक तरह के सवाल आपके सामने आ रहे होंगे, और अल्टीमेटली अगर प्रॉपर तरीके से उन क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए तो आप काफी हद तक अपनी थ्योरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखें, पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसके सारे क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के सारे थ्योरी के क्वेश्चन विद मार्क्स। इसी तरीके से हमारा तीसरा टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन, एंड फाइनली बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन। और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वो भी इन थ्योरी के क्वेश्चन में से होगा, पास्ट पेपर्स में से कुछ सवाल आपको टॉपिक के साथ असाइनमेंट्स के तौर पर दिए हुए होंगे ताकि आप उनको सॉल्व करें टॉपिक के साथ, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपने एड्रेस करने हैं। और रिपीटेशन जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी ज्यादा रिपीटेशन हमारी होती है नॉर्मली। आज हम अपना पहला टॉपिक इंट्रो कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंबाइन होकर 20 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन सी में, सेक्शन बी में आ सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एमसीक्यूज में उससे रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्या होती है। मेजॉरिटी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। देखें, फाइनेंस, जब किसी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो तो हर तरह की कंपनी को जरूरत होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या कैपिटल मार्केट के अंदर जिसके शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसके शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है, उसे हम कहते हैं पब्लिक लिस्टेड एंटिटी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं। लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब शेयर्स ट्रेड होते हैं तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस इंक्रीज भी होती है और शेयर प्राइस डिक्रीज भी हो रही होती है डेली बेसिस के ऊपर। तो वो प्राइस इंक्रीज क्यों होती है, प्राइस डिक्रीज क्यों होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के अंदर कि वो क्या रीजंस होते हैं, वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट नजर आती है हमें। नाउ एजेंडा ये है कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को फंड्स चाहिए, और आपको उस पब्लिक लिस्टेड कंपनी को एज अ फाइनेंस मैनेजर ये एडवाइस देनी है कि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स कहां से मिलेंगे। फंड्स जो भी हमें रेस करने होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन हमारे नजदीक होती है अप टू 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म की यूजुअल डेफिनेशन हमारे यहाँ होती है मोर देन 1 ईयर। समटाइम्स मीडियम टर्म फाइनेंसिंग भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अप टू 1 ईयर
अगर आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगी, और मोर देन 1 ईयर आपको अगर फाइनेंसिंग की जरूरत है तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहलाएंगे। सो पब्लिक लिस्टेड कंपनी जब भी फंड्स रेस करने जाएगी तो वो फंड्स किसी फाइनेंशियल मार्केट से रेस किए जाते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती हैं उन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है जहां से फंड रेस किए जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स। और इन मार्केट से जब कंपनीज या बिजनेसेस फंड रेस करते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह की मार्केट्स बनती है, वन इज कॉल्ड मनी मार्केट्स एंड अदर इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट बाय डेफिनेशन वो मार्केट है जहां से फाइनेंस रेस किया जाता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, और कैपिटल मार्केट बाय डेफिनेशन वो मार्केट है जहां फंड रेस किए जाते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हमारा एजेंडा ये है कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को फंड्स की जरूरत है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। से सपोज कंपनी को एक 10 साल का प्रोजेक्ट लगाना है और कंपनी 10 साल के लिए फाइनेंस रेस करना चाहती है। अब आपको ये बताना है कि कंपनी के लिए सूटेबल ऑप्शंस क्या हैं फाइनेंस रेस करने के लिए, कंपनी के पास कैपिटल मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कंपनी के हम कुछ ऑप्शंस की फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो हम इसे क्लासिफाई करते हैं कि कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग, और दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है विच इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंस जब भी हम बात करेंगे तो इससे हमारी बात मुराद होगी ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी फाइनेंसिंग मींस ऑर्डिनरी शेयर्स। डेट को हम कहते हैं लोन, या आप लोन की फॉर्म में या डेट की फॉर्म में, और इसके कई और नाम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉन्ड्स इशू कर दें, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, इन्हें हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। और इसके बीच में हमारे पास अनदर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल विच इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को हम समटाइम्स शेयर्स का पार्ट बनाते हैं, समटाइम्स हम उसे डेट का पार्ट बनाते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंस में हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप ऑर्डिनरी शेयर्स की फॉर्म में फंड रेस कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है प्रेफरेंस की फॉर्म में, और तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम डेट फाइनेंसिंग की फॉर्म में फंड रेस कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन इज व्हाई अ कंपनी नीड फाइनेंस, कंपनी को फंड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। एनीवन को इस बात का आंसर देने की कोशिश करेगा, कंपनी को फंड्स की जरूरत क्यों है? Why a public listed company needs finance? ये बात ध्यान में रखें कि एक लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी उसकी एक बैलेंस शीट होगी, उसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स भी होंगे, उसके अंदर उसके डेट्स भी मौजूद होंगे, कंपनी को दोबारा फंड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? एनी आइडिया? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ती है ना, डे टू डे ऑपरेशंस, डेली एक्सपेंसेस, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो हम शॉर्ट टर्म की बातें नहीं कर रहे सर, कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन करनी होती है, नए नए प्रोजेक्ट लगाने होते हैं, कंपनी को एक्सपेंशन करनी है, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। तो आपको से ये पूछा जाएगा कि अगर एक कंपनी को फंड रेज करना है तो आप बताएं कि सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, क्या हमारे लिए ऑर्डिनरी शेयर ज्यादा सूटेबल हैं, प्रेफरेंस ज्यादा सूटेबल हैं, या डेट फाइनेंसिंग हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। ये बात जहन में रहे कि कंपनी कभी भी किसी सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करती, बल्कि कंपनी क्या करती है, कंपनी मिक्स ऑफ फाइनेंस बनाती है, कंपनी एक मिक्स ऑफ फाइनेंस चूज करती है, एंड दैट मिक्स इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। कंपनी के पास टोटल फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है, और
इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी के पास कुछ इक्विटी होती है, कुछ डेट फाइनेंसिंग होती है, जिसके लिए हम ऑलरेडी एक रेशियो पढ़ चुके हैं, विच इज कॉल्ड गेयरिंग रेशियो, विच इज ऑल्सो नोन एज डेट टू इक्विटी फाइनेंसिंग। ये F3 के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ रेशियो पढ़ाया जाता है कि कंपनी की गेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की जाए और उसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कंपनी के पास कितना डेट मौजूद है और कंपनी के पास कितनी इक्विटी मौजूद है। ये बात ध्यान में रहे कि जो भी फाइनेंसिंग आप रेस करेंगे, हर फाइनेंसिंग की एक कॉस्ट होती है, जिसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, जो कि आपको किसको देनी होगी, जो आपको इन्वेस्टर को देनी है। क्योंकि अगर आप फंड रेस कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग आपको कहाँ से मिलेगी, उसके पीछे एक इन्वेस्टर होगा जो आपको वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। या तो वो आपके ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा, या आपसे प्रेफरेंस शेयर्स बाय करेगा, या आपको लोन दे रहा होगा। तो उस इन्वेस्टर की नीड क्या होगी, व्हाई इन्वेस्टर इज पुटिंग मनी इनटू योर बिजनेस, दैट इन्वेस्टर वांट रिटर्न। और जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कंपनी के लिए बनेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर आपने नए फंड्स लेने हैं तो जो इन्वेस्टर का रिटर्न रिक्वायरमेंट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। इन्वेस्टर चाहता है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, कंपनी चाहती है कम से कम कॉस्ट, लेकिन ये जो रिस्क और रिटर्न है बेसिकली ये कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, ये कनेक्ट होता है कंपनी की रिस्क प्रोफाइल के साथ। एंड रिमेंबर दैट हायर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट के अंदर उतना ही रिटर्न होगा। यानी कि इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी की रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर उसे ये पता लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की है तो फिर वो ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा, अगर उसे पता लगता है कंपनी लेस रिस्की है तो वो कम रिटर्न डिमांड करेगा, ज्यादा रिटर्न डिमांड नहीं कर सकता। तो रिस्क रिटर्न का जो एक ट्रेड ऑफ है उसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सी है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स सबसे ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि अगर एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इट कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। व्हाई व्हाई इट्स कॉल्ड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, एनीवन? और वो रिस्क है क्या? उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारा प्रेफरेंस शेयर आएगा, और सबसे लास्ट में जो रिस्क होगा वो डेट फाइनेंसिंग के अंदर होता है। इसके अंदर इन बिटवीन मीडियम रिस्क है, यानी के ऑर्डिनरी शेयर से कम लेकिन डेट फाइनेंसिंग से ज्यादा। तो वो रिस्क है क्या? यस, वन ऑफ द पॉइंट इज राइट। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ये पता होता है कि जो भी उसको रिटर्न मिलेगा वो अल्टीमेटली पहले डेट फाइनेंस वाले को दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा, आखिर में उसको रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वो एंटिसिपेट तो हाई रिटर्न करेगा ना, अगर वो हाई रिस्क ले रहा है तो वो कम रिटर्न में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन जो डेट वाला है वो कम रिटर्न में सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत कम है। डेट फाइनेंसिंग में रिस्क कम क्यों होता है और ऑर्डिनरी शेयर्स में रिस्क ज्यादा क्यों होता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डेट वाले को हम हर साल क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड दिस इंटरेस्ट इज कंपल्सरी टू पे, ये ऑप्शनल नहीं होता, ये कंपनी को हर हाल में पे करना होता है, गारंटी होता है। इसलिए डेट प्रोवाइडर को ये श्योरिटी होती है कि उसे कुछ ना कुछ रिटर्न किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं
उन्हें कंपनी हर साल इंटरेस्ट नहीं देती, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है जो कि कंपलसरी नहीं होता, जो कि डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस साल आपको कितना डिविडेंड देना चाहिए। याद रहे कि डिविडेंड एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में एक पूरा चैप्टर शामिल है डिविडेंड के बारे में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है तो क्या होगा, अगर कम देती है तो क्या होगा, डिविडेंड ना देने से शेयर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आप रेस करते हैं उस पर इन्वेस्टर का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा जो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी से रिलेटेड, टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो आप जो भी आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रेस कर रहे हैं उसके पीछे आपका एजेंडा क्या है कि वहां से जो भी फंड रेस किए जाएं उससे भी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। किसी को आइडिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जब मैं ये कहता हूं कि वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो इससे मतलब क्या लूं मैं, क्या मैक्सिमाइज करना है? एनी आइडिया? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कवर्स टू थिंग्स। पहली चीज होती है शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जब उन्हें डिविडेंड मिलता है, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है उसके दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है डिविडेंड और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज इंक्रीज इन शेयर प्राइस। क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा ये है कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो अल्टीमेटली वो मैक्सिमाइज कैसे हो सकती है, या तो आप उन्हें डिविडेंड दें, यस रियलिटी की बात हो रही है, या तो आप उन्हें हर साल डिविडेंड दें, या आप कुछ ऐसे काम करें जिससे आपकी कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाए। अब देखें शेयर प्राइस को इंक्रीज करना ये कोई कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर कैपिटल गेन हो सकता है तो साइड बाय साइड कैपिटल लॉस भी हो सकता है, डिक्रीज इन शेयर प्राइस भी हो सकती है। तो शेयर होल्डर को ये बात पता है कि डिविडेंड तो मुझे हर साल मिलना नहीं है, डिविडेंड सब्जेक्ट टू डायरेक्टर्स डिसीजन, और शेयर प्राइस नेगेटिव भी हो सकती है, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है, दैट इज अ रिस्क, एंड दैट्स द रीजन व्हाई शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है कि कंपनी उसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगी, तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा होता है। एक्चुअली मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो एक साल के बाद पता लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करते वक्त उसे ये देखना है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लास्ट ईयर कितना रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है, और उसको देखकर वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो क्योंकि हमारा एजेंडा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, आपके फंडिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है। आप जैसा फाइनेंस रेस करेंगे उसके अगेंस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन होगी। तो अगर आप फाइनेंस रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स तो कंपनी की कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डिनरी शेयर्स रेस करने की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में फंड रेस करते हैं तो कंपनी के लिए कॉस्ट बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न, कंपनी के लिए कॉस्ट। और अगर हम डेट की फॉर्म में फाइनेंस रेस करते हैं तो कंपनी के लिए कॉस्ट बनेगी कॉस्ट ऑफ डेट, एंड एज पर द रिस्क ये बात ध्यान में रखी जाए कि इक्विटी की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रेफरेंस की कॉस्ट, और डेट की कॉस्ट सबसे कम होगी।
ये रिलेशनशिप हमेशा फॉलो होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो शेयर होल्डर है वो कहता है मुझे 15% रिटर्न चाहिए, प्रेफरेंस वाला कहता है आई एम सेटिस्फाइड एट 12% रिटर्न, और डेट वाला कह रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड एट 8% रेट ऑफ रिटर्न. इस टॉपिक में हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि केई कैसे कैलकुलेट होता है, केपी कैसे कैलकुलेट होता है और केडी कैसे कैलकुलेट होता है. और उसके बाद हमें ये पता करना है कि कंपनी ने जो फाइनेंसिंग रेस की हुई है वो मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग है. तो उसके बाद हम इन तमाम कंपोनेंट्स को एग्रीगेट करके कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये इस टॉपिक का हमारा बेसिकली एजेंडा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंपनी का, WACC. सिंपल एवरेज नहीं कैलकुलेट करेंगे कि जितने आपकी कॉस्ट है सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर दिया. हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका ताल्लुक होगा कि आपका मिक्स ऑफ फाइनेंस कैसा है और हर मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग की आपके पास कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी अज्यूम दैट कि कंपनी ने अपने टोटल फाइनेंसिंग के अंदर इक्विटी रेस की 60%. 60% फाइनेंसिंग ऑर्डिनरी शेयर्स के जरिए है, 10% फाइनेंसिंग प्रेफरेंस के जरिए रेस की गई, और रिमेनिंग फाइनेंसिंग विच इज लेफ्ट ओवर वो डेट के जरिए रेस की गई. सो अब देखें, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, लेकिन हमने कितनी इक्विटी रेस की है टोटल फाइनेंसिंग में 0.6. इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास 12%, लेकिन हमने जो उसका वेटेज इस्तेमाल किया वो सिर्फ 10% है. इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास है 8% और उसका वेटेज हमारे पास है 30. तो अगर हम इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो ये बनेगा 9, ये होगा 1.2, ये होगा 2.4. इसको आप एग्रीगेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये प्रॉपर फॉर्मूला, एक एक कंपोनेंट हम अपना कैलकुलेट करेंगे. अभी मैंने जस्ट समराइज करने के लिए आपको आइडिया दिया है कि अगर एक कंपनी के पास तीन तरह की फाइनेंसिंग मौजूद है, तीनों की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है, तीनों की वेटेज, ये कहलाती है वेटेज, कि आपके टोटल कैपिटल में इन तमाम का कॉम्पोनेंट का वेट कितना है. तो अब आप इसकी एग्रीगेट कॉस्ट निकालें, 9 प्लस 1.2 प्लस 2.4 कितना होता है, आई गेस इट्स 12.6. दिस इज माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इस सिलेबस में हमारा एजेंडा ये है कि हमें केई भी कैलकुलेट करना सीखना है, केपी भी, केडी भी, फिर वेटेज निकालना भी सीखना है, और आखिर में कंक्लूजन ये करना है कि हम सीख जाएं WACC कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इसके ऊपर 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली बनता है पास पेपर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. MCQs भी आ सकते हैं. यहां तक कोई सवाल किसी के माइंड में? इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कंपनी का ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. शेयर होल्डर्स की अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करना होगा, आपको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना होगा. अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है तो आप अपने शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. अब सवाल ये पैदा होगा कि अगर एक कंपनी फाइनेंस रेस करना चाहती है तो वो क्या मिक्स बनाए, क्या कॉम्बिनेशन बनाए, ऐसा कॉम्बिनेशन उसे चूज करना है जिसके ऊपर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए.
ये है हमारा एजेंडा। अब इस एजेंडा को लेकर अगर हमें चलना है आगे, तो एक चीज तो यहां पर प्रूव हो गई कि ऑर्डिनरी शेयर सबसे एक्सपेंसिव है, तो क्या हमें अपने मिक्स के अंदर, क्या हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर्स लेने चाहिए? क्वेश्चन। लाइक फॉर एग्जांपल 40% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 80% होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये देखकर कहेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है, शेयर्स एक्सपेंसिव हैं, इसलिए आप कम से कम रखें, ठीक है, स्टूडेंट ये कहेगा। एंड सिमिलरली डेट सबसे सस्ता है, डेट चीपर है, और हम ये कह भी सकते हैं कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो क्या हम ये कहें कि हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में या टोटल फाइनेंसिंग में ज्यादा से ज्यादा डेट होना चाहिए? इस पे एग्री करेंगे? लाइक मैं आपको कहूं कि 80% डेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, 70% डेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, क्या ये सूटेबल होगा कंपनी के लिए? ना बहुत ज्यादा डेट सूटेबल होगा, ना बहुत कम डेट सूटेबल होगा, हमें एक रीजनेबल लेवल ऑफ फाइनेंसिंग चूज करनी है, और उस रीजनेबल लेवल का डिसाइड करना आसान काम नहीं है। हमें एक ऐसा मिक्स फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है जिस कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दें। ये है हमारा एजेंडा, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। तो आगे हम इसके ऊपर थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दे। अच्छा, आप लोगों ने गियरिंग रेशियो पढ़ी होगी, विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी है उसके पास मुख्तलिफ, मैं आपको दे देता हूँ, 50-50 भी हो सकता है कि डेट 50 हो, ऑर्डिनरी शेयर्स 50 हो, 60-40 भी हम रख सकते हैं, 40-60 भी हम रख सकते हैं, सूटेबल क्या होना चाहिए? हम 70-30 भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 30-70 भी कर सकते हैं। आप लोगों के नजदीक सूटेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, गियरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए सूटेबल, कीपिंग इन माइंड डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये डिसाइड करना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम ज्यादा डेट रखेंगे तो इंटरेस्ट कंपलसरी हो जाता है, अगर हम ज्यादा इक्विटी रखेंगे शेयर होल्डर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करेगा। तो हमें आइडियली एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्ट करना है जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए, और ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर आपको कोई बताएगा नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि 60-40 ज्यादा अच्छा होता है या 40-60 ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपको बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखने हैं, बहुत सारी चीजें देखनी है, और फिर डिसाइड करना है कि एक सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हमारा एक टॉपिक है थ्योरेटिकल, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सूटेबल रेशियो क्या होती है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि 60-40 होना चाहिए, 40-60 होना चाहिए, या 70-30 होना चाहिए। लेकिन याद रहे कि जो डेट फाइनेंसिंग है, although debt is a cheaper source of finance, लेकिन अगर आप debt ज्यादा लेते हैं तो उसका problem क्या होगा? अगर एक company decide करती है कि जी debt बहुत ज्यादा होना चाहिए, और वो कहते हैं कि जी हम 70% debt ले लेते हैं, 30% equity ले लेते हैं, तो problem क्या आएगा? Problem ये आएगा कि debt के ऊपर आपको हर साल इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट इज मैंडेटरी। अगर आपके पास प्रॉफिट हो तब भी, और प्रॉफिट ना हो तब भी आपको फिक्स इंटरेस्ट देना है हर साल। फिक्स का मतलब है कंपलसरी इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो अगर किसी
ईयर में आपके पास इंटरेस्ट देने के लिए कुछ ना हो तो फिर क्या होगा, फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो ये चीज भी आपके माइंड में होती है कि ऑल दो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपना डेट का बर्डन इतना ज्यादा कर लें कि अल्टीमेटली हमें कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ ना बचे। अब एक चीज समझें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक चीज समझें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करें, इससे आपको और ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हम क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। देखें, इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास सेल्स होती हैं, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो आपके पास आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अगर कोई अदर इनकम होती है तो वो ऐड कर देते हैं, अज्यूमिंग देयर इज नो अदर इनकम। ये माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आगे हम अपनी फाइनेंस कॉस्ट डिडक्ट करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट इज योर इंटरेस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम उसमें से अपनी टैक्स की कमिटमेंट्स को माइनस कर देते हैं, जो भी हमारे टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब एक बात सोचें, अगर आपकी सेल्स कम हो जाए तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाएंगे। अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ये भी तो रिस्क है ना, क्या कोई कंपनी गारंटी कर सकती है उसकी सेल्स हमेशा सेम रहेंगी? तो सेल्स का कम होना, दिस इज अ रिस्क जिसको हम सेल्स रिस्क कहते हैं। यह आपके लिए एक रिस्क क्रिएट करता है कि किसी साल आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, किसी साल आपकी सेल्स कम हो जाती है। इसी तरीके से कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क, ये आपके लिए रिस्क क्रिएट करता है, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो क्या होगा। ये जो रिस्क है, जो सेल्स से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो अल्टीमेटली पीबीआईटी क्रिएट कर रहा है, इस रिस्क को हम नाम देते हैं बिजनेस रिस्क। और ये रिस्क किसी कंपनी का ज्यादा होता है, किसी कंपनी का कम होता है। पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल अच्छे आते हैं, इसका मतलब है आपका बिजनेस रिस्क लो है। अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, इसका मतलब है आपके बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है। अब देखें, पीबीआईटी में से आपको फाइनेंस कॉस्ट पे करनी है। ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये आपकी डेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे नहीं है, क्या आप ज्यादा डेट लेकर फाइनेंस कॉस्ट पे करने के काबिल होंगे? कैन यू पे योर इंटरेस्ट इफ योर प्रॉफिट्स आर नॉट गुड? आंसर इज नो। इसका मतलब है पहले आपको अपने प्रॉफिट्स का आइडिया होना चाहिए। इफ यू फील दैट योर प्रॉफिट इज गुड, देन यू विल बी एबल टू टेक मोर डेट फाइनेंसिंग। और डेट फाइनेंसिंग अल्टीमेटली कौन सा रिस्क क्रिएट करता है? दैट टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करने से पहले आपको अपने बिजनेस रिस्क की पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस रिस्क हाई है तो आप हाई फाइनेंशियल रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपका बिजनेस रिस्क लो है देन यू कैन अफोर्ड हाई फाइनेंशियल रिस्क। अब आप लास्ट में देखें कि जो प्रॉफिट आएगा ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। जब आप ज्यादा डेट लेंगे, आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी उतना अवेलेबल प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस प्रोवाइडर, आपका जो इन्वेस्टर है, वो ये पोजीशन देख रहा होगा, शेयर होल्डर,
कि हमारी कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है, और जैसे जैसे आपकी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ना शुरू होगा, शेयर होल्डर्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी, और रिस्क अगर बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ रिटर्न भी नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो ये एक कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है कि किस तरह से हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त ये डिसाइड करते हैं कि डेट फाइनेंसिंग ज्यादा सूटेबल है या हमारे लिए इक्विटी फाइनेंसिंग ज्यादा सूटेबल। इसका कोई क्लियर कट सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे बात करूं कि कंपनी को पता है कि उसका बिजनेस रिस्क क्या है, कंपनी चाहती है अपना फाइनेंशियल रिस्क डिसाइड करना, कितना उसे डेट लेना है, तो आप ये बात जहन में रखें कि अगर आपका बिजनेस रिस्क हाई है तो आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या होना चाहिए, मस्ट बी लो। अगर आपका बिजनेस रिस्क लो है तो आप हाई फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा डेट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये भी एडवाइजेबल नहीं है और दूसरा लो भी एडवाइजेबल नहीं है, ये किसी सूरत में एडवाइजेबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि आपने बहुत ज्यादा बिजनेस रिस्क है और आपने हाई डेट ले लिया तो कंपनी कभी भी कोलैप्स हो जाएगी, तो हमें ऐसा फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर चूज करना होता है जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए और अल्टीमेटली हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें।